गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज नेक्स्ट एडेप्शन पॉइंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स, एडेप्शन इन बिग कैट्स। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने ट्रॉपिकल रीजन्स में जो एडेप्शन स्टडी करा था वो अपन ने देखा था एलिफेंट में क्या क्या एडेप्शन उसमें होते हैं जो कि वो ट्रॉपिकल रीजन्स में सर्वाइव कर पाता है। आज अपन देखेंगे बिग कैट्स जो होती हैं, लॉयंस, टाइगर, पैंथर, इन सब चीज़ों में क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में सर्वाइव कर पाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सच एज ए लॉयंस, टाइगर एंड लेपर्ड आर कॉल्ड बिग कैट्स। इनको बिग कैट्स कहते हैं क्योंकि ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपने घर पे कैट होती है उससे वो बड़े होते हैं, कैट फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इनको बिग कैट्स कहते हैं। इसके एडेप्टेशन देखें, फर्स्ट है एरो बना के आप आंसर राइट कर सकते हैं या पॉइंट राइट करके। दे हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। इनमें क्या होती है, हाईली डेवलप्ड सेंस होती है स्मेल की। स्मेल को ये दूर से ही क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दैट हेल्प देम लोकेट देयर प्रे। तो इनको लोकेशन का पता चल जाता है कि उनका जो शिकार है, प्रे है, वो उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, क्योंकि इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी फास्ट है, तेज है, डेवलप्ड है सेंस ऑफ स्मेल। तो ये भी इनको क्या करती है, सर्वाइव करने में, शिकार करने में, हंटिंग करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है द येलो ब्राउन कलर ऑफ लॉयन, जो लॉयन का येलो ब्राउन कलर होता है, एंड द ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ टाइगर, और टाइगर पे भी येलो ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, वो क्या करती है, हेल्प द हाइड इन सराउंडिंग्स। वो उनको सराउंडिंग एरिया में हाइड करने में हेल्पफुल होती है, और उससे वो अपने आप को हाइड कर लेता है सराउंडिंग एरिया में और हंटिंग कर पाता है और सर्वाइव कर पाता है, जीवित रह पाता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से ये जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द बिग कैट्स रन वेरी फास्ट, दैट हेल्प देम कैच देयर प्रे। और ये काफ़ी फास्ट रन कर पाता है, तेज़ी से ये दौड़ पाता है, और जिसकी वजह से ये अपने प्रे का शिकार कर पाते हैं और उसको पकड़ पाते हैं। तो ये भी कुछ एबिलिटी है, फीचर है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द बिग कैट्स हैव ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉ। क्लॉ मीन्स नाखून। तो इनके काफ़ी नुकीले नाखून होते हैं, शार्पली और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच एंड हेल्प देयर प्रे। और ये भी क्या करते हैं, इनको हंटिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, शिकार को, प्रे को कैच करने में, पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। ये कुछ बिग कैट्स के एडेप्टेशन थे जो कि उनको ट्रॉपिकल रीजन्स में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं, शिकार करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एडेप्शन, रेड आई फ्रॉग, जो लाल आंखों वाला क्या होता है, मेंढक होता है, उसमें क्या क्या ऐसे एडेप्टेशन मिलते हैं जो कि वो भी इन रीजन्स में सर्वाइव कर पाता है। द रेड आइड फ्रॉग फाउंड स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट दैट हेल्प क्लाइंब ईजली ऑन द ट्री। अब जो रेड आइड फ्रॉग होता है उसके क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स मिलते हैं जिससे कि वो चिपक जाते हैं पेड़ से, चिपकने से क्या होता है, वो बड़े बड़े पेड़ों पे आसानी से चढ़ पाता है और उन पे सर्वाइव कर पाता है। तो ये भी एक फीचर है उसमें, उस एरिया में सर्वाइव करने का, मतलब स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी मीन्स चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है इनके पैरों से और वो उसको बड़े बड़े ट्रीज से, ब्रांचेस से चिपकाए रहता है, अटैच किए हुए रहता है। नेक्स्ट है फाउंड हैज़ ए बिग एंड बल्गिंग ब्राइट रेड आइज़। और इनमें क्या होती है, बल्गिंग मीन्स होता है उभरा हुआ होना, रेड आइज़ बल्गिंग किए हुए रहती है, उभरी हुई रहती है, चमकीली ब्राइट कलर की रेड आइज़।
ये इनका क्या हो गया, फीचर हो गया। बाकी जो अडेप्टेशन है ये वाला है जो कि इसको ट्री से चिपकाया रहता है, स्टिकी पैड्स होते हैं इनके पैरों पे नीचे डाउनवर्ड, जिससे ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन अपन ट्रॉपिकल रीजन्स का नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।